रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर में गुरुवार को महिला रिक्रूट आरक्षी बैच 2021 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए 21 महिला आरक्षियों को पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ एसपी ट्रैफिक एवं लाइन प्रभारी राम सेवक गौतम ने दिलाई। दीक्षांत समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के आगमन पर महिला रिक्रूट आरक्षी अंजलि सिंह के नेतृत्व में महिला आरक्षियों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी पेश किया। कार्यक्रम में आरआई ने अपने संबोधन में दीक्षांत समारोह के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली रिक्रूट महिला आरक्षियों को गोल्ड मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रिक्रूट महिला आरक्षियों को कर्तव्य एवं पद का शपथ दिलाने के बाद मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक एवं लाइन प्रभारी राम सेवक गौतम ने कहा कि अब आप लोग व्यवहारिक रूप से अपने अपने कार्यस्थल पर तैनात होंगी, जहां पर मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर अपने कर्तव्य को निभाना होगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक एवं लाइन प्रभारी राम सेवक गौतम ने आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी साउथ एके सिंह, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित उप निरीक्षक श्रीनिवास चौधरी, आईटीआई चंद्रप्रकाश सिंह व पीटीआई भुवनेश कुमार सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और सिपाही मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला आरक्षी अंजलि सिंह, स्वाति सिंह, भावना यादव, राजबाला शर्मा एवं एसपी ट्रैफिक एवं लाइन प्रभारी राम सेवक गौतम ने कहा। इस परेड की संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ने की कृपा करें। रिक्रूट आरक्षी बैच 2021 जनपद पुलिस लाइन गोरखपुर। महोदय, पुलिस लाइन गोरखपुर में कुल 21 महिला रिक्रूट आरक्षी विभिन्न जनपदों से आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 14/12/2020 से प्रारंभ हुआ। महिला रिक्रूट आरक्षी के प्रशिक्षण को सकुशल संपन्न कराने हेतु एक टोली बनाई गई। वह प्रशिक्षक के रूप में आईटीआई चंद्रप्रकाश सिंह व पीटीआई भुवनेश कुमार तथा अंतः विषय के संचालन हेतु एक कक्ष बनाया गया था। अंतः विषय का प्रशिक्षण उप निरीक्षक श्रीनिवास चौधरी, सुनील कुमार चौरसिया, साधना खरे व पिंकी रानी द्वारा प्रदान किया गया। कुल 21 महिला रिक्रूट आरक्षी में से 21 महिला रिक्रूट आरक्षी पास कर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए हैं। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम में प्रथम चेस नंबर 10 अंजलि
की कृपा करें। उपस्थित हमारे सम्माननीय अधिकारीगण, एसपी साहब, एसपी साहू साहब, एसपी क्राइम साहब, हमारे सम्मानित क्षेत्र अधिकारीगण, लाइन साहब और इस प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले समस्त अधिकारीगण और इस पीओपी में सम्मिलित होने वाले 21 महिला रिक्रूट आरक्षीगण एवं उपस्थित पुलिस लाइन परिवार से संबंधित सम्मानित सदस्यगण, ये बहुत ही हर्ष एवं खुशी की बात है कि 21 महिला आरक्षी अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करके आज दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई और सभी की सभी उत्तीर्ण हुई। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया बहुत ही सराहनीय है और इन्होंने वाय कक्षाओं में, आंतरिक कक्षाओं में अच्छे अंक भी अर्जित किए हैं। आने वाले दिनों में ये पुलिस परिवार का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद पूर्ण रूपेण हिस्सा बन जाएंगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनकी होगी जो थानों से संबद्ध होंगी और वहां वो ट्रेनिंग करने के उपरांत फिर पूर्णतया जनता की सेवा में लग जाएंगी। मानसिक रूप से फिट होना और साथ ही साथ अपना ज्ञान वर्धन करना ये पुलिस सेवा के अभिन्न अंग है। पुलिस सेवा में अपना आचरण के तीन मुख्य बिंदु होते हैं। अपना आचरण बहुत ही उत्कृष्ट रखना है, नित्य प्रतिदिन अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, विधान बनते हैं उनकी भी जानकारी हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई विराम ना हो। हमारे अन्य जो टेक्निकल चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जानकारी हो बन करना है। अपनी फिजिकल फिटनेस पर आजीवन ध्यान रखना है, किसी भी रूप में अपना शारीरिक रूप से जो फिटनेस है, शारीरिक रूप से जो आपकी स्वास्थ्य हेल्थ है वो बिल्कुल बरकरार रहे, उसको हमेशा ठीक से रखना है और मानसिक रूप से भी अपने आप को फिट रखना है। जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट रहेंगे, अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और अपने कार्य में हम कुशल होंगे, दक्ष होंगे, व्यावसायिक रूप से दक्ष होंगे, तो निश्चित रूप से हम जनता की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। जिस कार्य के लिए हमने ये मिशन, ये कार्य चुना है, सेवा चुनी है, उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 4 आवर्स उपस्थित भी रहना है, जब भी किसी भी प्रकार की कोई बात आती है हल करने के लिए, जिसके लिए हमको जो है संपादित करने के लिए ड्यूटी आवंटित हो, उसको बहुत ही मन से, पूर्ण मन से संपादित करना, उसमें किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। और जब आप जनता की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आंतरिक शांति भी प्राप्ति होगी। हम जनता की सेवा करेंगे, अपने जो दिए गए कार्य हैं, उच्चाधिकारी के द्वारा दिए हुए कार्य हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से संपादित करेंगे। मैं शपथ लेती हूँ कि भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित विधि विधान के प्रति मैं पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगी। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि अनुसार पूर्ण साहस निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगी। मैं ये भी शपथ लेती हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा निष्पक्षता चैतन्यता परिश्रम एवं पवित्र अंतःकरण के साथ करूंगी तथा जनता के साथ शिष्ट सभ्य सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगी।
इसमें सर्वरक्षक परमेश्वर मेरी सहायता करें। श्रीमान, शपथ समारोह के विसर्जन की अनुमति चाहती हूँ। अंजलि सिंह, हमारे ट्रेनिंग में हमें सब कुछ सिखाया गया है। हमारे ITI PTI का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमें हर चीज़ से, हर चीज़, हर माहौल में रहना, हर चीज़ से जूझना, हर चीज़ सिखाया है। हम उनकी सिखाई की बातों को फॉलो करेंगे और ख़ुद को उस हिसाब से अपनी ड्यूटी में इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों का, और हर चीज़ का चुनौतियों का बहुत अच्छे से सामना करेंगे और सफल भी होंगे। महिलाओं की खासतौर पर समस्या बहुत आती है, एक महिला होती है, किस तरीके से उनको फेस करेंगे? महिलाओं के सामने जो समस्याएं आजकल बहुत सारी हैं, हम खुद एक महिला हैं तो हम इसको बखूबी समझते हैं और हम उसको अपने तरीके से, जो हम जानते हैं उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनके अपने हिसाब से उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। स्वाति सर, सर जी मैं संघर्ष करूँगी, सबके साथ सही से लड़ूंगी, और मतलब जो ये जो रिश्वत वगैरह लेते हैं उसका विरोध करूंगी, जो लड़कियों के साथ खड़ी रहूंगी, जो भी लड़कियों की छेड़ा खानी ये सब करते हैं, इसके लिए उनका सहयोग करूंगी, उनके लिए पूर्ण तरह से अपने तन मन धन से संघर्ष करूंगी, उनकी जनता की सेवा करूंगी। 8 बहनें हैं, अब मेरे पापा को वर्दी बहुत पसंद है, मेरे पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं अपने पापा की वजह से जॉब कर रही हूँ, वरना मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं और भी जॉब कर सकती हूँ, ये मेरे लिए एक मामूली बात है कांस्टेबल की, लेकिन मैं अपने पापा को वर्दी पसंद है इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। धन्यवाद। भावना यादव सर, हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान ही ये प्रशिक्षण दे दिया गया कि हम लोग फील्ड में कैसे काम करेंगे, हमारे PTI और हमारे ITI ने हमें अच्छे से इस चीज़ से अवगत करा दिया। जी, आप एक लेडीज हैं, महिलाओं की समस्या बहुत आती है, किस तरीके से उसको? सर महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम करेंगे और महिलाओं की हमेशा मदद करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे अपनी समस्या हम लोग तक बता सकें। सर सबसे पहले इसका श्रेय मैं माता पिता को है और मेरे गुरुजनों को है। मेरा नाम राजबाला शर्मा है। ऐसे तो हम महिला होने के नाते बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कहीं भी जाते हैं तो महिला को एक नीचे से, मतलब नीचे कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है, नीची नज़रों से देखा जाता है, लेकिन हम इन सब का सामना करते हुए और एक सही डायरेक्शन में महिलाओं को चलना सिखाएंगे और बखूबी अपना अच्छे तरीके से, जो ITI PTI हमारे सर ने जो हमको सिखाया है वो बहुत अच्छे तरीके से उन गाइडलाइंस का यूज़ करेंगे अपनी ड्यूटी के दौरान। 21 रिक्रूट महिला आरक्षियों का आज ट्रेनिंग का समापन था, जिसके संबंध में POP आयोजित की गई, और इन सभी को जो है, जो 21 महिला रिक्रूट आरक्षियों ने उत्तीर्ण घोषित की गई हैं और इनको आगे के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु यहां अवगत कराया गया, जिससे कि अपना व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर सकें, और इन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, अनुशासन में रहते हुए अपनी वह कक्षी और अंत कक्षी प्रशिक्षण को पूर्ण किया है, और इनके पारिवारिक जन भी आज यहाँ उपस्थित हुए, और निश्चित रूप से बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि सभी के सभी 21 जो है महिला रिक्रूट आरक्षी पास हुए हैं। सर, इन्हें आपने मूल मंत्र भी दिया है, किस तरह मेंटली फिट रहने का? हमेशा ये अनुशासन में रहें, आने वाले जीवन में अपने शरीर को भी फिट रखें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, और निश्चित रूप से अत्यधिक संवेदनशील रहें और अपना आचरण ठीक रखें और अपने जीवन में जो है ज्ञान वर्धन करते रहें और अपने कौशल को की वृद्धि करें और कौशल को बनाए रखें, जिससे कि आचरण अपने ज्ञान और कौशल के साथ जनता की अधिक से अधिक संवेदनशीलता के साथ सेवा करें।